लेकिन यूक्रेन रूस की जंग किस दिशा में जा रही है इसका अभी तक ठीक ठीक अनुमान नहीं लगाया जा सका है। लेकिन हालात के आधार पर एक अनुमान यह है कि जंग अब सिर्फ यूरेशिया तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि जंग के बादल मिडिल ईस्ट और साउथ ईस्ट पर भी मंडरा रहे हैं। इसमें ईरान के हालात से आप वाकिफ हैं लेकिन ताइवान के हालात और भी ज्यादा डराने वाले हैं। एक पूर्व अमेरिकन सैन्य अधिकारी के मुताबिक चीन किसी भी वक्त ताइवान पर अटैक कर सकता है। आखिर कैसे मिले ये संकेत आप देखिए ये रिपोर्ट। दक्षिण पूर्व में बवंडर सुलगने वाला है समंदर। इस समय दुनिया के तीन वॉर जोन में से एक में आग धधक रही है और दो में जंग की चिंगारी फूटती दिख रही है। यूक्रेन रूस के बैटल ग्राउंड में अब तक निर्णायक मोड़ आने की कल्पना नहीं हो पा रही है और मिडिल ईस्ट में जंगी तैयारी शुरू हो गई है। हालांकि ये तैयारी असल वॉर जोन की बारूदी तबाही में तब्दील होगी या नहीं इस पर थोड़ा संशय है। लेकिन साउथ ईस्ट के ब्लू बैटल ग्राउंड में आर पार के हालात अभी से बन गए हैं। चीन ने ताइवान पर शिकंजा कसने के लिए व्यूह रचना शुरू कर दी है। दावे के तहत चीन अब किसी भी वक्त तबाही का बवंडर उठाकर साउथ चाइना सी को बारूदी समंदर में बदल सकता है और इस दावे को हल्के में बिल्कुल नहीं लिया जा सकता क्योंकि दावा करने वाले शख्स हैं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एचआर मैकमास्टर, वो शख्सियत जिनकी चीन पर बेहद गहन स्टडी है। अब क्या है उनका दावा पहले इससे सुनिए। शी जिनपिंग हैज मेड क्वाइट क्लियर इन हिज स्टेटमेंट्स दैट ही इज गोइंग टू मेक फ्रॉम हिज पर्सपेक्टिव चाइना होल अगेन बाय सबसूमिंग ताइवान एंड द प्रिपरेशंस आर अंडरवे। यानी चीन ताइवान की तरफ बढ़ रहा है, हर हाल में ताइवान पर कब्जे की कोशिश में जुटा है और इसके लिए आक्रामकता भी दिखा रहा है। यही वजह है कि ताइवान की सुरक्षा के लिए मैकमास्टर ने अलर्ट जारी किया है और अलर्ट का ये अलार्म अनुमान के आधार पर जारी नहीं किया गया है बल्कि एक खास किस्म की तैयारी का भी उन्होंने जिक्र किया है। मैकमास्टर के मुताबिक चीन लगातार हथियारों से आक्रामकता दिखा रहा है, आर्थिक समृद्धि के लिए भी आक्रामकता से काम ले रहा है, वहीं रक्षा क्षेत्र में वित्तीय हलचल भी आक्रामक अंदाज में बढ़ा रहा है। यानी चीन की नजर कूटनीतिक और फिजिकल रूप से नजर ताइवान पर है। मतलब साफ है कि चीन अपने लोगों को जंग के लिए तैयार कर रहा है और परेशान करने वाली बात यह है कि इस आक्रामकता के खिलाफ अब तक अमेरिका सिर्फ डिफेंसिव रणनीति अपना रहा है जबकि चीन ताकतवर होता चला गया है और अब किसी भी वक्त ताइवान पर अटैक हो सकता है। इसे संकेत की भाषा में भी समझिए। चीन ने लगातार ताइवान की सीमा का उल्लंघन किया है। पिछले 3 सालों में चीन ने ताइवान की सीमा में हलचल बढ़ाई है, हवाई सीमा का 1 साल में ही 1000 से ज्यादा बार उल्लंघन किया है, तो वहीं समुद्री सीमा में चीन की एम्फीबियस टीम लगातार घुसपैठ करती रही है। यानी चीन की कोशिश अनुकूल मौके पर अटैक को अंजाम देने की है लेकिन फिलहाल अमेरिकन हथियारों और फोर्स के अलावा अंतर्राष्ट्रीय दबाव में ये संभव नहीं हुआ है। पर अब बढ़ी हुई ताकत के साथ चीन किसी भी वक्त इस अटैक को अंजाम तक पहुंचा सकता है। ऐसा क्यों कहा जा सकता है इसे समझिए। चीन ने 2020 में 360 बार ताइवान की सीमा का उल्लंघन किया, 2021 में 960 बार और 2022 में 1727 बार। यानी 3 साल में चीन ने करीब हर साल दुगनी घुसपैठ का रिकॉर्ड कायम किया है लेकिन इस बार शुरुआत एम्फीबियस फोर्स से हो सकती है, वो भी अटैक के लिए, जिसके लिए आगाह करते हुए अमेरिका के पूर्व जनरल और पूर्व एनएसए मैकमास्टर ने चेतावनी जारी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 9 भारतवर्ष।